अगर मेरे को जी कोई ग्रुप है, सो दिस इज जी एंड जी इज सम ग्रुप, और एम ते एन द जीसीडी वन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। और नाल एक और कंडीशन दिखती है, ए दी पावर एम बी दी पावर एम, ये आपस च कम्यूट करते हैं। सिमिलरली ए दी पावर एन ते बी दी पावर एन, ये भी आपस च कम्यूट करते हैं। सो असी प्रूव करना कि साढ़े को जोड़ा जी है, इट इज ए अबेलियन ग्रुप, और इनू असी अबेलियन प्रूव करना, ठीक है जी। सो सब तो पहला था तुसी इस चीज का मतलब समझो कि जोड़ा जी सी डी ऑफ एम एन है, ये साढ़े को वन दे बराबर देता है, ठीक है जी। जे जी सी डी साढ़े को वन दे बराबर देता है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ जी सी डी ऑफ एम एन विच इज इक्वल टू वन, तो डेफिनेशन होंगी देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर एक्स ते वाई ले लिए बिलोंग्स टू जेड सच दैट एम एक्स प्लस एन वाई विच इज इक्वल टू वन, ठीक। तो ये साढ़े को लोअर क्लासेस च तुसी पढ़िया होना नंबर थ्योरी दे विच कि अगर साढ़े को जी सी डी वन है तो असी इस रिलेशन नू लिख सकते हैं, ठीक। सो सानू असी इनू दो स्टेप्स दे विच करना चाहवांगे, तो फर्स्ट असी प्रूव करांगे स्टेप नंबर वन दे विच। सो स्टेप नंबर वन दे विच असी प्रूव करांगे कि सानू गिवन दिता कि ए एम ते बी एम कम्यूट करते हैं, ठीक है जी। इदा ही ए एन ते बी एन कम्यूट करते हैं, तो स्टेप नंबर वन च असी प्रूव करना चाहवांगे कि जिहड़ा साडे कोल ए एम है, ए और बी एन ये आपस दे विच कम्यूट करनगे, बी एन इंटू ए रेज टू पावर एन। सो ये दोनों आपस दे विच कम्यूट करनगे, ये असी प्रूव करना चाहते, ठीक है जी। सो इनू प्रूव करने लई, यानी अगर पावर डिफरेंट आ तो डिफरेंट पावर वाले भी कम्यूट करनगे। सो जेडे साडे कोल दीज पार्ट्स है, असी पहला पावर इनू यूज करना, फिर असी इनू यूज करना। सो आई टेक ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एम, बी रेज टू पावर एन, और फिर सारे दी पावर मैं एम इंटू एक्स ले लिया, ठीक है जी। एम भी इंटीजर, एक्स भी इंटीजर, सो टोटल वैल्यू साढ़े को इंटीजर हो गई। जे इंटीजर आता नंबर आ तो इन्हें मैं लिख सकता ए दी पावर एम, बड़े ध्यान ना, बी दी पावर एम, फिर सेम टर्म ए दी पावर एम बी दी पावर एन करते जाइए, ए दी पावर एम बी दी पावर एन, और टोटल किनिया टर्म्स है, एम एक्स टर्म्स है, तो एम एक्स टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो गई। और इतने कंसेप्ट केड़ा यूज किया, अगर बेस सेम आ तो पावर का एडिशन हो जाएगा। हुण आपां इदां पेयर बनाने शुरू कर दे, दिस दिस, ठीक है जी। सो दिस ये पेयर बना दिए, यानी फर्स्ट टर्म ए दी पावर एम नू बाहर रख लिया। जे ए दी पावर एम नू बाहर रखिया तो साढ़े कोल पहली टर्म आई बी एन ए दी पावर एम, सो अगली भी यही आएगी बी एन ए दी पावर एम, और करते जाइए इत्थे भी आएगी बी दी पावर एन ए दी पावर एम, और जेड़ी लास्ट वाली टर्म आ ये आ जाएगी बी दी पावर एन, ठीक। नाउ दिस प्रोडक्ट अगर आपां नूं पता हो ये किन्ना रह गया, एम टोटल प्रोडक्ट सी एम एक्स, और एक विचों जड़ा रिड्यूस हो गया, तो ये पावर साढ़े को किन्नी रह गई, एम एक्स रेज टू पावर एम एक्स माइनस वन। सो दिस इज ए एम बी एन ए रेज टू पावर एम,
और ए दी पावर आ गई एम एक्स माइनस वन इंटू बी रेस टू पावर एन। ठीक है जी। सो एक साइड को वैल्यू दी रिड्यूस हो गई, जड़ी रिड्यूस हो गई उन आप उस हिसाब ना लिख लिया। सो साडे को वी गॉट दिस काइंड ऑफ वैल्यूज। अगर साडे को दिस वैल्यूज आ गई तो दिस वैल्यूज नू असी एक्सप्रेस कर सकते हैं ए एम बी एन ए दी पावर एम सारे दी पावर एम एक्स। और अगला आ गया बी एन ए एम सारे दी पावर माइनस वन, और उस तो अगला आ गया बी रेज टू पावर एन। सो व्हाट इज दिस वैल्यूज, इस वैल्यूज नू आपां सिंपलीफाई करिए तो ए आ गया ए दी पावर एन, इनू हजे मैं उदा ही लिख लेना बी एन ए दी पावर एम पावर एम एक्स आ। सो एक बारी ए दी पावर एक्स फिर ए दी पावर असी सारी पावर कर देवांगे एम कर देंगे। सो दिस इज रेज टू पावर एम। सो अगली टर्म वाल चलिए रिवर्सल आ लगेगा तो ए आ गया ए दी पावर माइनस एम बी दी पावर माइनस एन फिर नाल आ गया बी एन। ठीक है जी। इन्हों दोनों नु कंबाइन करांगे तो साढ़े को आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है जी। हुण साढ़े को इत्थे आ जाइए। सो दीज आर टू टर्म्स, आ याद रखना एक टर्म की पावर है एन और दूसरी टर्म की पावर है एम, और सानू गिवन दिता है कि ए रेज टू पावर एन और दूजी टर्म साढ़े को दोनों की पावर सॉरी ए दी भी एम है, इत्थे मैं करैक्ट करदा ए दी भी एम है और दूजी टर्म की भी पावर एम है। सानू पता जे सेम पावर हो गए तो वह कम्यूट करनगियां, जे कम्यूट करनगियां सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज बी एन ए एम सारे दी पावर एक्स फिर सारे दी पावर एम, उस तो बाद आ गया ए एम फिर आ गया ए माइनस एम फिर आ गया बी माइनस एन फिर आ गया बी एन। सो मैं इन्हों पेयर बना देना एदा कि आइडेंटिटी बन जाए एदा कि आइडेंटिटी बन जाए। सो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी साढ़े को वन है और साढ़े को दिस टर्म जिहड़ी है ये की बन गई बी एम ए रेज टू पावर एम पावर फिर मुड़ के चढ़ गई एम एक्स। ठीक है। तो सिर्फ साढ़े को जिहड़ियां ए एम ते बी एम कम्यूट किते पावर एम एक्स ना। सिमिलरली असी दूजा प्रूव करन दी लोड़ नहीं। सो सिमिलरली ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एम सारे दी पावर ए रेज टू पावर सॉरी बी रेज टू पावर कितना सी एन सी बी रेज टू पावर एन। ठीक है जी। और सारे दी पावर एन वाई ले लिए तो ए वी कम्यूट कर जाएंगे बी रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एम फिर सारे दी पावर आ गई एन वाई, ए वी कम्यूट कर गए। जे कम्यूट कर गए असी प्रूव की करना चाहते सी अपना रिजल्ट। सो रिजल्ट सी ए दी एम बी दी एन। ठीक। सो इनू मैं रिप्रजेंट किया ए दी एम बी दी एन दी पावर वन। ठीक। हुण वन दी वैल्यू मैं सबस्टिट्यूट करूँगा एम एक्स प्लस एन वाई तो वो मेरे को आ गया ए एम बी एन सारे दी पावर एम एक्स प्लस एन वाई। तो इनू असी अलग अलग कर लीए, ये आ गया ए एम बी एन सारे दी पावर एम एक्स ए एम बी एन सारे दी पावर एन वाई। और दिस वैल्यूज अगर सारे दी एक दी पावर एम एक्स आ गई एक दी एन वाई तो हमने रिजल्ट प्रूव किया सी इनू मैं एक्सप्रेस कर सकता बी एन ए दी एम पावर एम एक्स और इनू भी एक्सप्रेस कर सकता बी एन ए दी पावर एन इंटू एन वाई। दिस आ गया जी।
और दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज बी एन ए एम फिर सारे द पावर एम एक्स प्लस एन वाई और दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी एन ए एम रेज टू पावर वन एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी एन ए रेज टू पावर एन। सो अगर साढ़े को डिफरेंट पावर आ तभी कन्व्यूट कम्यूट कर गया सेम पावर नाल गिवन दिता सी और डिफरेंट पावर नाल कम्यूट कर गया तो यदा मतलब साढ़े को आ गया कि स्टेप नंबर वन असी प्रूव कर लिया। हूँ बेसिकली असी की प्रूव करना चाहते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो वह साढ़े को स्टेप नंबर टू आ स्टेप नंबर टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हूँ सानू क्लीयर हो गया कि असी जिहड़ी वैल्यूज है सेम पावर नाल भी कम्यूट कर सकते हैं और एम ते एन अगर डिफरेंट आ उन्हां नाल भी कम्यूट कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज ए वन बी रेज टू पावर वन पहला स्टेप वन दी वैल्यू पुट कर दिओ ए एम एक्स प्लस एन वाई बी एम एक्स प्लस एन वाई ठीक है जी तोड़ लो तोड़िया ए एम एक्स बी एन वाई और इधर आ गया बी एम एक्स और बी एन वाई ठीक है जी ए एम एक्स ए एन वाई बी एम एक्स बी एन वाई ठीक। सो पहला इन्हां नूं मैं तुहानू सिंपल वे दी समझा कम्यूट करता जो कम्यूट हो गया क्योंकि इन्हों की पावर एम एन आ कम्यूट होंगे वो तो तुम्हें पता लगेगा ये बन गया ए एम एक्स बी एम एक्स ठीक है जी उस तो बाद आ गया ए एन वाई फिर बन गया बी एन वाई ठीक। हूँ आपू पावर एम आवर भी एम आ यह भी कम्यूट हो गए यदि पावर एन आदि पावर एन आपस कम्यूट हो गए तो इनू ब्रैकट लिख लिया इनू ब्रैकट लिख लिया। सो जो ब्रैकट लिखिया साढ़े को वैल्यूज आ गई सो दिस इज आलसो इन ब्रैकट अगे चलिए सो सिंपल वे समझा देना सो दिस वैल्यू विल बिकम बी एम एक्स ए एम एक्स ठीक है जी उस तो बाद बी एन वाई ए एन वाई दिस आ गया इन्हों दोनों हूँ कम्यूट करा ये ब्रैकट च लै लो जो ब्रैकट च लिया सो दिस वैल्यू इज बी एम एक्स बी एन वाई फिर आ गया ए एम एक्स ए पावर एन वाई दिस आ गया जी इनू असी ब्रैकट च लै लाँगे इनू भी ब्रैकट च लै लवेंगे तो साढ़े को आ गया बी रेज टू पावर एम एक्स प्लस एन वाई दूजे पासे आ गया ए रेज टू पावर एम एक्स प्लस एन वाई और दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वन ए रेज टू पावर वन सो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू बी ए। सो व्हाट वी गेट ए बी विच इज इक्वल टू बी ए फॉर एवरी ए बी बिलोंगस टू जी सो यदा मतलब साढ़े को आ गया कि जी इज ए अबेलियन ग्रुप। हूँ तो कन्फ्यूजन खत्म हो गई yes, ठीक है सो ये साढ़े को सिंपल वे करा सो उस तो अगला क्वेश्चन जोड़ा साढ़े को है ये सुरजीत सिंह एक्सरसाइज भी दिता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहना इफ इन ए बड़े ध्यान स्टेटमेंट समझने की लोड़ है इफ इन ए ग्रुप जी अगर असी जी दे ग्रुप दे विच चलिए देयर इज नो एलीमेंट एलीमेंट देयर इज नो एलीमेंट सी डिफरेंट फ्रॉम identity
डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, ठीक है जी, कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जेड़ा आइडेंटिटी तो डिफरेंट आ और उदा स्केयर आइडेंटिटी दे बराबर आ जाए। ठीक, सो इस लाइन का मतलब जरूर समझो, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सी डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी सच दैट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इहदा मतलब अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तां ओह एलिमेंट आइडेंटिटी दे बराबर आ जाएगा, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट नहीं है जेड़ा जिदी पावर टू आइडेंटिटी दे बराबर आ जाए। ठीक है, और नाल इहदे दित्ता एंड ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू बी ए होल स्केयर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। नाल ये कंडीशन दित्ती है, असी प्रूव करना, शो दैट जी इज कम्यूटेटिव, जी इज कम्यूटेटिव, शो दैट जी इज कम्यूटेटिव। ठीक है जी, सो जिहड़ी पहली लाइन आ जिहड़ी मैं येलो दे नाल पेंट कीती है, येलो दे अंडर लिखी है, उस लाइन का मतलब चंगी तरह फिर समझ लो कि सी कोई भी इदा का एलीमेंट नहीं है जिदी पावर टू आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। यदा मतलब जे कोई इदा का एलीमेंट बन जाता तो वह एलीमेंट किदा का होएगा, वह एलीमेंट आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। सो सिंपल इस चीज़ को समझो। लो जी, हुण मैं क्वेश्चन ते आ गया। मैं तुहानू अगे भी कहा कि जिहड़ी गिवन कंडीशन है जिदा है ए बी स्केयर विच इज इक्वल टू बी ए स्केयर फॉर एवरी ए बी बिलोंगस टू जी। ठीक, इन्हां कंडीशनज नूं आपां ए बी दे तौर ते ना देखिए, इन्हां कंडीशनज नूं असीं जी दे एलीमेंट दे तौर ते देखिए कि जी दे जे दो एलीमेंट आ उह इदां दी जिहड़ी कंडीशन नूं सैटिस्फाई करदे, और पहला एलीमेंट जरूरी नहीं, ए भी हो सकता, इस तों इलावा भी हो सकता, दूजा एलीमेंट भी जरूरी नहीं बी होवे, बी जां बी तों इलावा भी हो सकता। हुण मैं ए दी जगह ते इस कंडीशन दी मदद यूज करदा, सिंस आ मैनूं गिवन दित्ता, तो मैं ए दी जगह ते लै लिया ए बी इनवर्स, क्योंकि जी ग्रुप आ, अगर ए बी उहदे एलीमेंट आ, ए बी इनवर्स इहनूं बिलोंग करेगा, और बी दी जगह ते मैं बी ही रहिंदा। ठीक, तो जिहड़ी उपर वाली कंडीशन है की बन गई, इह कंडीशन बन गई बी पहला आ गया, उस तों बाद की आ गया ए बी इनवर्स, फिर पावर आ गई साडे कोल टू, दिस आ गया। ठीक, ना हुण बड़े ध्यान नाल देखियो, इट इंप्लाइज जिहड़ी साडे कोल दिस टर्म है ये तो बन गई बी इनवर्स बी, जिहड़ी आइडेंटिटी बन जानी पावर टू, और जिहड़ी ए कंडीशन है ये साडे कोल बन गई बी ए बी इनवर्स रेज टू पावर टू, दिस बन गई। लैफ्ट हैंड साइड नूं समझो तो ए दे नाल वन आ गया आइडेंटिटी, यानी ए बन गया ए इंटू ई दा होल स्केयर, और राइट हैंड साइड नूं समझो बी ए बी इनवर्स रेज टू पावर टू, तो असीं पिछे रिजल्ट कीता से एक्स इनवर्स ए एक्स रेज टू पावर एन, ते बन जाता एक्स इनवर्स ए दी पावर एन इंटू एक्स। ये सेम रिजल्ट ही ट्रू होएगा जे एक्स नूं तुसीं रिप्लेस कर दिओ एक्स इनवर्स नाल, तो साडे कोल ए टर्म किहदे बराबर आ गई बी ए स्केयर बी इनवर्स। सो वट वी गैट ए स्केयर विच इज इक्वल टू बी ए स्केयर इंटू बी दी पावर माइनस वन। ठीक, तो क्लियर हो गया जी। सो सिंपल आपां इहनूं सिंपलीफाई कीता,
ਹੁਣ b ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਸਕੁਅਰ ਬੀ ਵਿਚ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸਕੁਅਰ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਏ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਏ ਵੈਲਿਊ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਬੀ ਏ ਇਨਵਰਸ ਬੀ ਇਨਵਰਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 3 ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੀ ਸਕੇਅਰ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਏ ਬੀ ਏ ਇਨਵਰਸ ਬੀ ਇਨਵਰਸ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਬੀ ਏ ਇਨਵਰਸ ਬੀ ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ ਏ ਬੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਏ ਇਨਵਰਸ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਏ ਇਨਵਰਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਤਾ, ਤੋੜਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਪਲਿਟ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਬੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਸ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ -1 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ -2, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ -1, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਨਵਰਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏ ਬੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਤੋ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਏ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ -2, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਏ ਇਨਵਰਸ ਇੰਟੂ ਬੀ ਇਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਏ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਏ ਬੀ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਏ ਬੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਟਰਮ ਏ ਬੀ ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਏ -1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਬੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਏ -1, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ -1, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਏ ਇਨਵਰਸ,
हुण आपां मुड़ के आ बी इनवर्स नूं इत्थे ले जावांगे तो ए कैंसल हो जाएगा है ना, कट हो जाएगा। तो मैं बी नूं वी किहदे च कन्वर्ट करन दी कोशिश करदा, इस बी इनवर्स नूं मैं एक्सप्रेस कर सकदा जिहड़ा है साडे कोल बी इंटू बी दी पावर माइनस टू, इहदा एक्सप्रेस कर सकदा। जदों एक्सप्रेस कीता मेरे कोल आ गए टर्म ए बी, फिर आया ब्रैकेट ए, फिर आ गया बी, ठीक है, क्योंकि ये मुताबक। उस तो बाद आया बी दी पावर माइनस टू, फिर आ गया ए दी पावर माइनस वन। सो दिस वैल्यूज ए एज इट इज, बी ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, दिस वैल्यूज आ गई। हुण फिर ये कंप्यूट करनगे क्योंकि एक दी पावर टू आ और दूजे दी पावर साढ़े कोल कितनी आ वो हैगी साढ़े कोल। सो दिस वैल्यूज आ गई ए बी, ए कम्यूट किया तो मेरे को आ गया ए माइनस वन, बी माइनस टू, फिर बी, फिर आ गया ए इनवर्स, फिर आ गया बी इनवर्स। कट्ठे लिख लो, जो कट्ठे लिखिया आ दोनों मिल के की बन गया साढ़े कोल बी इनवर्स बन गया, ठीक। सो वट वी गैट, बड़े ध्यान न समझियो, एक मेरे को ए बी पेयर बन गया, फिर मेरे को ए बी पेयर बन गया, ठीक। उस तो बाद ध्यान आ साढ़े को बन गया ए माइनस वन बी माइनस वन, फिर अगली टर्म बन गई ए माइनस वन बी माइनस वन, दिस टर्म बन गई, ध्यान। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए बी दी पावर टू है ना, आ दो इनू रिवर्सल ला लाओ, ए बन गया बी ए दी पावर माइनस वन, अगली टर्म भी बन गई बी ए दी पावर माइनस वन। सो ए बन गया ए बी पहली टर्म टू, दूजा बन गया बी ए दी पावर माइनस टू, दिस वैल्यूज वन। और ए प्रोडक्ट सानू पता आइडेंटिटी दे बराबर आ, क्यों आइडेंटिटी दे बराबर आ, सो दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वाई, सिंस ए बी रेज टू पावर टू किहदे बराबर दिता, बी ए दी पावर टू दे, इट इंप्लाइज ए बी पावर टू बी ए रेज टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जे दिस वैल्यूज आ गई, सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो वट वी गैट, वी गैट जिहड़ा सी स्केयर है ये किहदे बराबर आ गया, ये सी स्केयर आइडेंटिटी दे बराबर आ गया, ठीक। जबकि सानू ये दस्या गया जा क्वेश्चन च दिता गया कि ऐसा कोई भी एलीमेंट नहीं है, नॉन आइडेंटिटी नहीं है जिहदी पावर टू आइडेंटिटी दे बराबर आ जाए। इहदा मतलब कि अगर कोई एलीमेंट आएगा तो वह खुद आइडेंटिटी होएगा। सो दिस इज बाय गिवन पार्ट, सो दिस इज बाय गिवन पार्ट है ना, तो वह आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। जो आइडेंटिटी के बराबर हो गया, सी की वैल्यू पुट करो, ए ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू ई, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू बी ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। सो इट इंप्लाइज जी साढ़े को अबेलियन ग्रुप बन गया, सो दिस इज ए अबेलियन ग्रुप, ठीक है जी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होगी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होगी, देन इट इज ए अबेलियन ग्रुप।